चलो छोड़ो, अब जो मैं पूछ रहा हूं सारे बच्चे वो बताएं। आंसर तुमने जो बताना था बता लिया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जो लर्निंग है ये क्या है। इन दोनों सेंटेंसेस में एक वर्ड हमने यूज किया है लर्निंग, ये लर्निंग कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है ये बताओ। चलो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, ये जो दोनों सेंटेंसेज में हमने लर्निंग वर्ड यूज किया, ये लर्निंग वर्ड कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जल्दी से बताएं सारे। तुम्हारा मुंह है ये बेवकूफ इंसान, सोचते समझते नहीं है। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो लर्निंग है ये मेन वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है क्योंकि मेन वर्ब प्रेडिकेट पार्ट में होती है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब तो है नहीं, तो अगर ये मेन वर्ब नहीं है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब या तो जेरेंड होगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। यही पढ़ा था ना कि हमने क्या पढ़ा फंडामेंटल्स में कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जब हम उसको एज ए नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं तो या तो जेरेंड होती है पार्टिसिपल होती है। जब वो जेरेंड होती है तो वो काम करती है नाउन का, मतलब इट एक्ट्स एज अ नाउन और सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन जब वो पार्टिसिपल होती है तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिखी जाती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लर्निंग लैंग्वेजेस टेक टाइम। यहाँ पे हमने प्रेडिकेट लिखा है, ठीक है, और यहां पर हमने प्रेडिकेट लिखा है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो प्रेडिकेट हमने लिखा है इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। टेक टाइम, ये बात हम किसके लिए कह रहे हैं, लैंग्वेजेस टेक टाइम या लर्निंग टेक्स टाइम। तो हमें पता है कि लैंग्वेज में टाइम नहीं लगता, काम करने में टाइम लगता है। तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना टेक टाइम का, वो लर्निंग है। लैंग्वेजेस डोंट टेक टाइम, व्हेन यू लर्न अ लैंग्वेज इट टेक्स टाइम, सो द एक्शन टेक्स टाइम। तो टेक टाइम का सब्जेक्ट जो है ना वो ये लर्निंग है। अगर ये लर्निंग वर्ड सब्जेक्ट है, अगर ये लर्निंग वर्ड सब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया, क्योंकि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसका मतलब ये नाउन का फंक्शन है। अगर ये नाउन का फंक्शन है तो इसका मतलब ये जेरेंड है, तो ये आपका लर्निंग जो है जेरेंड है। अगर ये लर्निंग जेरेंड है तो ये जो लैंग्वेजेस है ये क्या है, ये इस जेरेंड का जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है अपना ऑब्जेक्ट है। लर्निंग व्हाट, लर्निंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा वो लैंग्वेजेस नहीं है, सब्जेक्ट है लर्निंग। अगर लर्निंग सब्जेक्ट है तो लर्निंग तो एक सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन है तो इसका नंबर सिंगुलर हो गया, तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म की लिखनी चाहिए टेक्स। लर्निंग लैंग्वेजेस टेक्स टाइम, मतलब भाषाएं सीखने में समय लगता है। भाषा आप एक दिन में नहीं सीख सकते, भाषा सीखने में समय लगेगा, तो ये हो गया। अब इसमें आ जाओ, हमने कहा वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्हाट वेरीज, ठीक है, हैबिट्स। एक पर्सन की अलग आदत है, दूसरे की अलग आदत है। एक गान में मतलब एक जो है पर्सन गाना सुनते हुए पढ़ाई कर रहा है, एक पर्सन टीवी देखते हुए पढ़ाई कर रहा है, एक पर्सन ग्रुप में पढ़ाई कर रहा है, एक पर्सन अकेला बैठ के पढ़ाई कर रहा है, एक पर्सन सुबह जल्दी जग के पढ़ाई कर रहा है, एक पर्सन रात को देर में जग कर पढ़ाई कर रहा है। तो जो हैबिट सबकी अलग अलग होती है, कौन कैसे पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे जो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है ना, इसका सब्जेक्ट है हैबिट्स, इसका सब्जेक्ट क्या है हैबिट्स। तो हैबिट्स जो ये प्लुरल हैबिट्स जो है वो प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आनी चाहिए वेरी, ठीक है। हैबिट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आदतें जो होती हैं वो अलग अलग पर्सन की अलग अलग आदतें होती हैं, किसी पर्सन की अलग आदत है, किसी की अलग पर्सन, ठीक है, आदत है। अब यहां पे आ जाते हैं फिर लर्निंग क्या है, सब्जेक्ट हो गया हैबिट्स। तो लर्निंग को वैसे तो हम कह देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ध्यान देना हमने फंडामेंटल्स वाले उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम किसी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में किसी नाउन के साथ में यूज करते हैं तो वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखी गई वर्ब होती है, नाउन उस वर्ब का डूअर होता है। तो अगर हम लर्निंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है,
तो ये हैबिट्स लर्निंग का डूअर हो जाएगा। और हमें पता है हैबिट्स लर्न नहीं करते हैं, लर्न हम करते हैं, ठीक है। हैबिट्स किस चीज की हैं? लर्निंग की हैबिट्स हैं। तो ये जो लर्निंग है ये यहां भी जेरेंड है, बस यहां पे मेन नाउन नहीं, यहां पे मॉडिफायर है। तो ये जो लर्निंग है ना, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, ये हैबिट्स का मॉडिफायर है और ये भी जेरेंड है। मतलब बस डिफरेंस ये है कि ये लर्निंग भी जेरेंड है, ये लर्निंग भी जेरेंड है। यहां पर ये प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है, यहां पर ये प्रेडिकेट का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मॉडिफायर है, मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन हैबिट्स है, तो हमने मेन नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दी। तो दोनों ही सेंटेंसेस में जो लर्निंग है वो जेरेंड है, पार्टिसिपल एक में भी नहीं है। बात समझ में आई है? बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर लर्निंग जो है वो सब्जेक्ट है, यहां पर लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड यहाँ पे हैबिट्स है। बात हैबिट्स के बारे में हो रही है, लर्निंग के बारे में नहीं हो रही है, यहाँ पे बात लर्निंग के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे हैबिट सब्जेक्ट है, हैबिट सब्जेक्ट है, तो हमने हैबिट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी, ठीक है। लर्निंग फिर क्या हुआ? लर्निंग हैबिट्स का मॉडिफायर हो गया, और लर्निंग हैबिट्स एक तरीके से कंपाउंड नाउन हो गया। लर्निंग हैबिट जैसे फूड हैबिट्स होता है, फूड हैबिट्स, ठीक है, तो उसी तरीके से लर्निंग हैबिट्स हो गया। तो जो लर्निंग हैबिट्स है इसमें लर्निंग नाउन है, हैबिट्स नाउन है, बस लर्निंग मॉडिफायर नाउन है, हैबिट्स मेन नाउन है। अब जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, ये जो बात मैंने बताई है ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, वैसे बताओ, ठीक है। करेक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे टेक्स आएगा, यहाँ पे वेरी आएगा, लर्निंग दोनों में जेरेंड है, किसी में भी पार्टिसिपल नहीं है। अबे जल्दी कमेंट करके बता दो, आगे बढ़े बेटा। घुमा दिया आपने, हो ही तुम लल्लू लोग घूमे हुए। चलो भाई, बात बच्चों को समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के मेन बात ये है कि जैसे जेरेंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, उनके फंक्शन क्या है, ये तो सब फंडामेंटल वाले वीडियो में मैंने समझाई दिया, ठीक है, वो तो तुमने वहां से देख ही लिया होगा। अब हम सीधे क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को समझते हैं जिन पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो सबसे ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर हम जेरेंड को कभी सेंटेंस में यूज करें, अगर हम जेरेंड को कभी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करें, तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर लिखना, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, कहीं पे पता चला जेरेंड को एज ए मॉडिफायर यूज कर लिया, कहीं पे एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया। तो एक कह रहा है एक बार और, बट अब अपना रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, समझे, ये वीडियो सेव हो जाएगा, बाद में देख लेना। तो अगर हम जेरेंड को सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करें, तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर लिखा करो, भले ही उस जेरेंड का अपना ऑब्जेक्ट प्लुरल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने लैंग्वेजेस लिखा, लेकिन ये लैंग्वेजेस हमारी नॉन मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है लर्निंग, लर्निंग सिंगुलर है, तो हमने वर्ब सिंगुलर लिख दी। यहाँ पे लर्निंग जेरेंड तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर है हैबिट्स, ठीक है, तो हैबिट्स प्लुरल था, तो हमने वर्ब प्लुरल लिख दी। लर्निंग जो है वो मॉडिफायर है, यहाँ पे लर्निंग मेन नाउन है। अब कोई बच्चा ये सोचे कि भाई पता कैसे चल गया, पता कैसे चल गया कि ये वाला जेरेंड सब्जेक्ट है, ये वाला जेरेंड सब्जेक्ट नहीं है? तो ये पता हमेशा चलता है बेटा प्रेडिकेट से। जो प्रेडिकेट होता है ना, वो देखा करो वो किसके लिए यूज किया गया होगा। जैसे हमने जब फंडामेंटल्स पढ़े थे, तो हमने फंडामेंटल्स में क्या पढ़ा था, हमने फंडामेंटल्स में ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो प्रेडिकेट देखो और अभी पता लगाने की कोशिश करो, ये प्रेडिकेट हमने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये प्रेडिकेट हैबिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वही सब्जेक्ट है, ठीक है। टेक टाइम जो हमने बात कही है, हमने किसके लिए बात कही है, टेक टाइम हमने लैंग्वेजेस के लिए कही है या लर्निंग के लिए कही है। तो मतलब प्रेडिकेट से रिलेट करके हम पता लगा लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, और फिर जो सब्जेक्ट है उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। चले आगे बढ़े। हैप्पी दुर्गा पूजा भैया, सभी को जय माता दी, ठीक है। यहां तक हो गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एक देखो और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये भी, यहां लिखता हूं। एक हमने क्वेश्चन लिखा, दे डिड नॉट माइंड अस meeting him, they did not mind us meeting him. चलो सारे बच्चे सेंटेंस को देखें, पढ़ें और बताओ सही है गलत।
सारे बच्चे इस सेंटेंस को देखें, पढ़ें और बताओ सही या गलत। बताओ भाई सारे बच्चे जल्दी से, ये जो लिखा गया सेंटेंस है ये सही है गलत है? सारे बच्चे दिमाग लगाएं। सर वन हॉलीडे कर दो, दे देंगे छुट्टी, दे देंगे, देखेंगे किसी दिन छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। देखो अब जैसे भी तुमने इस सेंटेंस को देखा, अच्छी बात है। अब जो मैं पूछ रहा हूं जरा वो बताना, इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट हो गया, डिंट माइंड वर्ब हो गई। डिंट माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट बताओ। सारे बच्चे ये बताएं कि डिंट माइंड जो वर्ब हमने लिखे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट मीटिंग है, इसका ऑब्जेक्ट हिम है, इसका ऑब्जेक्ट अस है, क्या है? सारे बच्चे ये बताएं कि जो हमने वर्ब लिखी है डिंट माइंड, इस डिंट माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, मीटिंग है या हिम है? एक वर्ड ऑप्शन देना, दो नहीं, एक वर्ड ऑप्शन बताओ, अस है, मीटिंग है या हिम है? परसों तो वैसे ही छुट्टी है, क्यों भैया क्यों छुट्टी है परसों? देखो हमारा उल्टा सीन है, जब दुनिया पढ़ाती है तो हम छुट्टी कर लेते हैं, और जब दुनिया छुट्टी करती है तो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है? हम लकीर के फकीर नहीं है कि दुनिया छुट्टी कर रही तो हम भी छुट्टी करेंगे, दुनिया पढ़ाई कर रही तो हम भी पढ़ाई करेंगे। दुनिया पढ़ाई कर रही है, हमारा नहीं मन है, हम छुट्टी कर लेंगे, ठीक है? दुनिया छुट्टी मना रही है, हमारा नहीं मन है छुट्टी मनाने का, हम पढ़ाई कर लेंगे। मीटिंग, हाँ, ऑब्जेक्ट इसमें मीटिंग है। देखो कोई बच्चा ये सोच, देखो मैं आपको समझाता हूँ है क्या, हिम को तो भूल जाओ, हिम तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या तो अस होगा या मीटिंग होगा, ठीक है? क्योंकि जो हिम है वो मीटिंग के बाद लिखा है तो वो मीटिंग का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये तो मान के चलो कि या तो ऑब्जेक्ट अस होगा या मीटिंग होगा, हिम तो नहीं ही होगा, मतलब माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम नहीं होगा, क्योंकि जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है इस नॉन फाइनाइट वर्ब मीटिंग का। नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद में लिखेगा नाउन प्रोनाउन, उसके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारी डिंट माइंड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट हिम नहीं होगा, क्योंकि हिम जो है वो मीटिंग का ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है? तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो ये अस होगा या ये मीटिंग होगा। अब देखो इसको समझना कैसे, अस जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये रेफर कर रहा है किसी पर्सन को। मीटिंग जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब क्या होती है? एक्शन होती है, ठीक है? तो ये रेफर कर रहा है एक्शन को। अब अपने आप सोचने की कोशिश करो कि दे डिंट माइंड, उन्होंने माइंड नहीं किया, तो पर्सन क्या माइंड करता है? पर्सन को माइंड करता है, एक्शन को माइंड करता है। माइंड का मतलब है बुरा मान लेना किसी चीज को, किसी चीज को लेकर बुरा मानना, ठीक है? तो हम माइंड क्या करते हैं, पर्सन को या एक्शन को, बस ये बता दो। माइंड हम क्या करते हैं, वेदर वी माइंड पीपल और वी माइंड एक्शंस, ऑफ कोर्स वी माइंड एक्शंस, एक्शन ही माइंड करते हैं। भाई कोई पर्सन है हम उसे माइंड क्यों करेंगे? शोर मचा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है तो हम माइंड करेंगे, ठीक है? तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना डिंट माइंड वर्क का, वो है एक्शन। माइंड हम एक्शन को करते हैं, पर्सन को नहीं। तो अगर एक्शन ऑब्जेक्ट है तो जो मीटिंग है ये आपका जेरेंड हो गया, ठीक है? और ये जेरेंड इस माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? अब अगर ये मीटिंग जो है जेरेंड वो इस माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो अस तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। तो अगर ये अस ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों लिखा? इसे हमें हटा देना चाहिए, मान लो हमें इसे ऐसे हटा देना चाहिए, जब हमें पता चल गया ये ऑब्जेक्ट नहीं तो हटा दो इसे, ऐसे लिख दो दे डिंट माइंड मीटिंग हिम। लेकिन जब आप ये लिखोगे ना दे डिंट माइंड मीटिंग हिम, तो ये जो मीटिंग है इसका सब्जेक्ट भी दे हो गया। होता क्या है कि अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखे हैं तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो खुद है ना ये खुद मिले उससे और इन्होंने इस बात को माइंड नहीं किया, ये बेतुका लॉजिक है, ठीक है? अपने किए गए काम को कोई भी माइंड नहीं करता, माइंड करते हैं दूसरों के काम को, ठीक है? और दूसरी बात, अगर हम अस हटा देंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हिम से मिला कौन। तो हम यहां से अस को ड्रॉप करने के बजाय क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे डिटरमिनर से, क्योंकि मीटिंग नाउन है, जेरेंड नाउन होते हैं ना, तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं डिटरमिनर लिखे जा सकते हैं। तो हम इस अस को क्या करेंगे, मीटिंग नाउन का ना डिटरमिनर बना देंगे। डिटरमिनर इसकी पजेसिव केस फॉर्म होती है आवर, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे दे डिंट माइंड मीटिंग आर मीटिंग हिम, दे डिंट माइंड आवर मीटिंग हिम। आर मीटिंग का मतलब क्या, हमारा मिलना, कि उन्होंने हमारे मिलने को
माइंड नहीं किया, मतलब हम लोग उससे मिले तो हमारे मिलने को उससे उन्होंने माइंड नहीं किया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखना इसी टाइप का। दूसरा, फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा। फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा, बताओ सही है गलत। फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा, सोचो। जैसे हमने कहा फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा, सो फादर सब्जेक्ट हो गया, डजंट लाइक वर्ब हो गई। अब हमें ये पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कौन है डजंट लाइक का, पर्सन या एक्शन। गोइंग टू द सिनेमा एक्शन है, ध्यान देना, गोइंग टू द सिनेमा जो है ना ये एक्शन है, ठीक है। मी जो है वो पर्सन है। फादर डजंट लाइक, पिताजी पसंद नहीं करते। व्हाट व्हाट डज फादर नॉट लाइक, पिताजी क्या पसंद नहीं करते बताना, एक्शन और पर्सन। हम लाइक क्या करते हैं, हम क्या लाइक करते हैं, पर्सन या एक्शन, दोनों दोनों करते हैं। पर्सन को भी तो लाइक करते हैं, नहीं भी लाइक करते हैं कई बार, ठीक है। तो अब हमें यह समझना है कि जैसे माइंड तो हम जनरली एक्शन को ही करते हैं, पर्सन को माइंड नहीं करते, लेकिन लाइक तो हम पर्सन को भी कर सकते हैं, ठीक है। ही लाइक्स हिज फ्रेंड्स, ऐसे कुछ, ही लाइक्स यू, ऐसे कुछ। तो अब हमें यहाँ पे समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई पर्सन इस कॉन्टेक्स्ट में हम पर्सन को माने लाइक का ऑब्जेक्ट या एक्शन को माने, क्योंकि हम दोनों को ही कर सकते हैं, पर्सन को भी लाइक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो समझना, अगर हम ये मान लें फादर डिडंट लाइक मी, पिताजी मुझे पसंद नहीं करते, तो मीनिंग थोड़ा सा अटपटा लगेगा। जनरली क्या होता है कि मतलब जनरली क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि बच्चे अपने जो होते हैं वो हर एक पेरेंट्स को प्यारे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी टेढ़े मेढ़े हो, मक्कार हो, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चे हमेशा हीरो ही लगते हैं, ठीक। तो एक तो उस लॉजिक से गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर हम मी को ऑब्जेक्ट मान ले फिर हम गोइंग को क्या माने, ये भी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम मी को ऑब्जेक्ट मान ले तो हम गोइंग को क्या माने, ठीक है। तो यहां देखो, असल में पिताजी को मैं तो पसंद होऊंगा, लेकिन पिताजी को मेरा ये काम पसंद नहीं होगा। पेरेंट्स को बच्चे हमेशा पसंद होते हैं, बच्चों की कुछ हरकतें होती हैं जो उनको कई बार पसंद नहीं होती। तो यहाँ पे जो डजन लाइक वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट मी नहीं, इसका ऑब्जेक्ट है गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा जाना पिताजी को पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि गोइंग जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये गोइंग जेरेंड हो गया, ठीक है। अगर ये गोइंग जेरेंड हो गया तो ये नाउन हो गया। अब नाउन के साथ प्रोनाउन लिखे नहीं जा सकते, नाउन के साथ में डिटर्मिनर लिखे जा सकते हैं। तो हम मी को हटाएंगे जो कि प्रोनाउन है, और इसका डिटर्मिनर फॉर्म जो माई होता है वो लिख देंगे, और माई हुज का रिप्लाई हो गया। जैसे हमने लिखा फादर डजंट लाइक गोइंग टू द सिनेमा, कि पिताजी को सिनेमा जाना पसंद नहीं है, हुज गोइंग, किसका जाना, तो आंसर जाएगा माई गोइंग, मेरा जाना, ठीक है। अब जिन बच्चों के बात समझ में आ गई ठीक है, जिन बातों को नहीं समझ में आई उसको ऐसे बता देते हैं, ऐसे समझना। देखो जैसे मैंने लिखा फादर डजंट लाइक, फादर डजंट लाइक माई कॉलेज, ठीक है, फादर डजंट लाइक माई फ्रेंड्स, फादर डजंट लाइक माई जॉब, फादर डजंट लाइक माई स्टाइल, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये जो कॉलेज है, फ्रेंड्स है, जॉब है, स्टाइल है, ये सब नाउन है ना, तो इनके नाउन्स के साथ हमने देखो क्या लिखा, डिटर्मिनर लिखा माई। जैसे हमने लिखा फादर डजंट लाइक कॉलेज, हूज कॉलेज, तो आंसर आ गया माई। फादर डजंट लाइक फ्रेंड, हूज फ्रेंड्स, माई। फादर डजंट लाइक जॉब, हूज जॉब, माई। Father doesn't like style, whose style, my style. तो अब मान लो जैसे हमने यहाँ पे my लिखा, तो अगर हम लिख दें me going to the cinema, तो ये जो going है, going to the cinema है, ये भी तो ध्यान से देखो gerund है, और gerund noun होते हैं। तो जैसे ये college noun है, friend noun है, job noun है, style noun है, तो हमने उसके साथ determiner लिखा ना, तो उसी तरीके से going जो है ये भी तो noun है, gerund noun ही तो होते हैं, तो उसके साथ हमने फिर pronoun क्यों लिख दिया, उसके साथ भी हमें determiner लिखना चाहिए, whose का reply, तो आंसर जाएगा my, my going to the cinema। तो यहाँ पे सारे बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम जेरेंड को कभी भी यूज करें किसी सेंटेंस में, और उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन लिखना पड़े, तो पजेसिव केस लिखा करो, यूज पजेसिव केसेस विद जेरेंड्स। अगर हमें कभी किसी नाउन या प्रोनाउन को जेरेंड से पहले लिखना पड़े, तो जेरेंड से पहले पजेसिव केस के नाउन या प्रोनाउन लिखा करो जो कि हूज का रिप्लाई होते हैं, ठीक है।
क्योंकि जेरेंड भी एक नाउन होता है, उसके साथ में प्रोनाउन नहीं लिखे जा सकते, उसके साथ में डिटर्मिनर लिखने पड़ते हैं। सिचुएशन अज्यूम करनी पड़ती है, सिचुएशन बच्चे हमेशा अज्यूम करनी पड़ेगी इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ें, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया ना, तो मैं दो चार देखो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपने आप इनके आंसर बताना।